पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांव काला झंडा निवासी राजीव कुमार की हत्या उसके सगे भतीजे ने अवैध संबंध में बाधक बनने के कारण की थी। आरोपी भतीजे सुशील कुमार और उसके दोस्त गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर गुरुवार को ठाकुरद्वारा पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और मृतक के राजीव कुमार का मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर SP क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार और ASP ऋषभ डोडवाल ने ठाकुरद्वारा क्षेत्र में हुए हत्याकांड का खुलासा किया। SP क्राइम ने बताया कि मंगलवार रात काला झंडा गांव के बाहर गेहूं के खेत के पास एक युवक का शव लावारिस हालत में मिला था, जिसकी शिनाख्त राजीव कुमार के रूप में हुई थी। राजीव कुमार शादी और अन्य समारोह में खाना बनाने का काम करता था। मामले में राजीव कुमार के भाई पदम सिंह ने अपने सगे बहन हुई राजेश निवासी शिवनगर खेड़ा पर हत्या करने का शक जताते हुए केस दर्ज कराया था। SP क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार के अनुसार हत्याकांड के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और मोबाइल CDR खंगाले तो शक से राजीव कुमार के भतीजे सुशील कुमार पर पहुंच गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। थाना ठाकुरद्वारा के अंतर्गत एक गांव काला झांडा पड़ता है, वहां पर 6 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी खेत में। पुलिस तत्काल वहां पहुंची थी तो उसकी शिनाख्त की गई। वो एक राजीव नाम का व्यक्ति उसी गांव का था, उसकी डेड बॉडी थी। उसमें पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे पुलिस लेकर उसका PM वगैरह कराया था। राजीव के सगे भाई पदम सिंह की तरफ से एक FIR पंजीकृत की गई थी, उसमें उन्होंने एक राजेश नाम के व्यक्ति को वास्तवा बताया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का पूर्ण रूप से अनावरण किया और इसमें 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करी है। इसमें एक सुशील कुमार है जो कि राजीव का सगा भतीजा है, यानी बादी पदम सिंह का लड़का है। दूसरा उसका दोस्त है गौरव कुमार। इन दोनों ने मिलकर राजीव की हत्या की थी। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि जो सुशील भतीजा है उसका संबंध राजीव की पत्नी से था और उसी के तहत जब राजीव ने सुशील को और उसकी पत्नी को एक साथ पकड़ लिया था तो उसकी पिटाई की थी। इसी से वो नाराज़ हो गया था और उसने ठान ली थी कि हम अपने चाचा की हत्या करेंगे। 6 तारीख को उसने गौरव की मदद से गांव के बाहर शराब पीने के बहाने उसे बुलाया था और खेत में उसको ले जाकर एक हथौड़े से उसके सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी थी। इसमें पूरा घटनाक्रम खुल गया है और अभियुक्त से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। सर, वेपन में क्या क्या रिकवरी हुई है? वेपन में जो हथौड़ा था वो मिला है और इसमें मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल किए गए वो 2 मोबाइल भी हम लोग ने बरामद किए। सर, ये एक्यूस्ट करते क्या हैं दोनों? ये कुछ नहीं करते हैं, लड़के हैं और सगा भतीजा है, मृतक का सगा भतीजा है। पब्लिक TV आपकी आवाज़।